इस समय हालेलुया आज को आज गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिस्टर अनिकुटी के लिए को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर अनिकुटी आप लाइन पे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपका अवसर होगा गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, आज प्रभु का महिमा के लिए एक गीत गाने को मौका मिला, धन्यवाद। साथियों ब्रदर परिवार और सब सुनने वाले प्यारों को धन्यवाद, प्रभु सबको आशीष दे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु वेदा समान, यीशु वेदा समान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करो, हम पर भी यीशु कृपा करो, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अंबर विश्व कृपा करुणा, अंबर विश्व कृपा करुणा, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पाप उनको मिठाने, हम सब के पाप उनको मिठाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दोष पर अपना खून बहाया, दोष पर अपना खून बहाया,
पारा चुकाया दा, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, हम पर भी यीशु कृपा करना। हमारे लिए मारा गया परमेश्वर, हमारे लिए गारा गया परमेश्वर, हमारे लिए हालेलुया तीसरे दिन जी उठा, जल्दी से जल्दी आने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। हमारे पापों के बलिदान किया परमेश्वर, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने बलिदान हुआ, हालेलुया, क्रूस पर बलिदान हुआ। इस क्रूसिफाइड क्राइस्ट की महिमा हम करते हैं, हालेलुया। ये परमेश्वर हमको ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है, हालेलुया। इस परमेश्वर की हालेलुया आगमन के लिए हम तैयार होकर जीने पाए, हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, हालेलुया। गाना गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें से सहायता किया, थैंक यू हनी आंटी फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी हम अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। वचन हमारे शक्ति देने वाला वचन, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर का वचन, हरेक रोगियों को चंगाई करने वाला परमेश्वर का वचन, मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर का वचन। इस परमेश्वर का वचन पर हम अनुग्रह पाए आज के वचन की सेवकाई के लिए। पास्टर बाबू श्यामल जो बरोड़ा से हमारे मध्य है, इनवाइट पास्टर बाबू श्यामल वचन की सेवकाई के लिए। पास्टर को लाइन में स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमारे जीवन में इस प्रकार का एक मौका दिलाया कि हम मिलकर परमेश्वर को दूर दूर में बैठकर महिमा करने के लिए सहायता किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि बिजी साजेंद्र है लीड करने वाली, या प्रभु का दासी और साजन ब्रदर और लिसी सिस्टर, बाकी जो मम्मी है, बाकी सारे प्यारे भाई बहन, दासी दास लोग जो जुड़े हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुजरात से बड़ौदा से वंदना करता हूँ। और मेरे बेटी परिवार अहमदाबाद से जुड़े हैं, पास सामरगी संगसी, और मुझे सुबह एक हमारा प्रार्थना सहकारी है चेन्नई से, प्रभागर मेनोनैन परिवार, वो भी बोला है शायद जुड़ा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा सिस्टर रोसम्मा मामा है, और उनका प्रिय मित्र मित्रेसियामा सिस्टर है, उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते। आप लोग प्रभु को महिमा करने के लिए जो हमें आत्मा का प्रेरणा के अनुसार करने वाले इस महान सेवकाई के लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि प्रार्थना का जो असर, उसका जो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट क्या है करके, हालेलुया। और इसके साथ साथ गीत के द्वारा हो, स्तुति के द्वारा हो, हालेलुया, हम जब महिमा करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, बस हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है, हमारा आत्मा सैटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए मैं भी सुबह उठा, हालेलुया, मेरा जो रूटीन रेगुलर प्रेयर के बाद आपके लिए और आपके साथ जोड़कर प्रभु को महिमा करने के लिए बहुत खुशी के साथ आया हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए दोपहर तक बहुत व्यस्त दिवस है। हमारा मैं जनरल प्रेसिडेंट का भाई जो प्रभु में सो गया है, उनका दफन भी दिया आज 10 बजे से शुरू होने वाला है, और उसके बीच में मुझे यहाँ से दूसरे एक जगह में हमारे भाई को, हमारे संगति का एक भाई को एक मकान मिला वहां पर, उसका प्रतिष्ठा समर्पण विधि है, उसमें जाना भी है। फिर भी मैं ये जो मौका को बहुत श्रेष्ठ समझकर आपके साथ जुड़ा हूँ। आप लोगों का जो प्रार्थना के बारे में और स्तुति के बारे में, हालेलुया, मुझे बहुत आभार है। प्रभु आपको और शक्ति दे और बल दे,
हालेलुया, प्रार्थना करने वाले के जीवन में भी समस्या तो आ सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि हालेलुया, प्रार्थना करने वालों के लिए कार्य करने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे लिए जिंदा है, और इसलिए हम जो भी मौका मिलता है इस मौका प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो 2 दिन पहले मुझे हालेलुया इस प्रकार का एक विचार पवित्र आत्मा दिया कि हमारा प्रार्थना का इम्पैक्ट जो है, उसका असर जो है, देखिए देखिए दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में रहने वालों के लिए जब प्रार्थना करते समय उसका बहुत असर पड़ता है। इतना दूर हमें प्रार्थना का इम्पैक्ट होती है करके मुझे हमें हम समझने के लिए और एक बार मौका मिला। इतना भी नहीं, हम जानता है कि हमारा प्रार्थना, हम इस पृथ्वी में बैठकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति देते हैं, लेकिन स्वर्ग तक उसका हालेलुया प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, उसका असर पड़ते हैं करके हम सब लोग जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बैठकर स्तुति आराधना करते, प्रार्थना करते और स्वर्ग में विराजमान हालेलुया परमेश्वर उस प्रार्थना और आराधना को स्वीकार करते हैं और उसका उत्तर देते हैं और आशीष उंडेल देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों हालेलुया, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें जब भी मौका मिलते समय हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हुए जीवन बिताएं, ताकि हमारा हर दिन का हमें जिंदगी को सफल बनाने वाला, सहारा देने वाला, सहायता करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, आराधना तो व्यक्तिगत तौर पर है करके हम जानते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति में ये अलग होता है। जिनको प्रभु के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, वो ज्यादा प्रभु को महिमा देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्रभु को निरंतर स्तुति देने वाला और प्रार्थना करने वाला बन जाए। दाऊद राजा के बारे में मैं हमेशा याद करता हूं, सबसे ज्यादा आराधना करने वाला व्यक्ति पुराना नियम में वो ही था, नया नियम में प्रेरित पौलुस है। हालेलुया, और इन दोनों ने हमेशा जब भी मौका मिलते समय स्तुति करते थे। इसलिए 34:34 भजन संहिता का 3 में प्रभु का दास बोलते, आओ सब लोग मेरे साथ मिलकर स्तुति आराधना करो। हालेलुया, अभी एक ऐसा बात मुझे समझने को मिला, पवित्र आत्मा दिया कि जो व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को स्तुति देने वाला व्यक्ति को एक इच्छा होती है कि सबके साथ स्तुति देने के लिए, हालेलुया आराधना करने के लिए। जो व्यक्तिगत तौर पर हमें मौन बैठता है, चुपचाप बैठता है, वो संगति में आएगा तो भी चुपचाप बैठेगा, और उनको कितना भी चाबी दो फिर बहुत मुश्किल पड़ता है मुंह खोलने के लिए। लेकिन जो लोग अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को महिमा करते हैं, वे लोग संगति में भी आकर किसी का दबाव बिना, प्रेरणा बिना अपने आप को प्रभु की स्तुति के लिए समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं। ये जो स्तुति है दुआ के समान उठकर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और उसके बदले में परमेश्वर का आशीष अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और संगति में, हालेलुया सभा में उंडेल दिया जाता है करके मैं आपको प्रारंभ में याद दिलाकर इस हालेलुया स्तुति के भाग को समाप्त करना चाहता हूँ। कल मैं इसे प्रार्थना करते समय हालेलुया और इस प्रार्थना वचन सुनाने के बारे में जैसे साजन ब्रदर का मैसेज आया था, उसके बाद तुरंत एक शब्द हालेलुया मेरे दिल में पवित्र आत्मा डाला, बस वही पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। ये छोटा संगति में लंबा प्रचार करने के लिए नहीं, उल्टा हम आपस में प्रोत्साहन दिलाने के लिए है, और पवित्र आत्मा जो बोलना चाहता है बस वही सुनाना है। उसके लिए सबको बहुत परिचित वचन है मरकुस 5:34 में, Mark 5:34 यीशु प्रभु का एक वाणी है, शब्द है, उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह, आमेन। ये तो आमें। मैंने कई बार पढ़ा हुआ और हालेलुया सुनाया हुआ वचन है, लेकिन इस बार एक अलग अगुवाई पवित्र आत्मा जैसे दिया कि बस एक शब्द मुझे सुनाया, हमारा जो दिल के विश्वास है उसके ऊपर हमारा प्रभु जी ने मोहर लगाने वाला प्रभु है, आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास के ऊपर अपना मोहर लगाने वाला है। जीसस पुट
His seal upon our faith also. वो तो हमारे प्रार्थना के ऊपर भी मोहर लगाता है. कोई भी हमारा जो हालेलुया शब्द है, बात है, कथन है, उसके ऊपर स्वर्ग से हालेलुया अंगीकार करने वाला हमारा प्रभु आज जिंदा है. इसलिए आपने भिन्न भिन्न जगहों में बैठकर जो भी हमें हिंदी टूटा फूटा है तो भी चलेगा, लेकिन जो भी शब्द आपने बताए बॉम्बे से, ओक्लाहोमा से हालेलुया, और कई भिन्न भिन्न गुजरात से हालेलुया, तमिलनाडु से, कहीं भी से हो, आपका और मेरा प्रार्थना जो भी है उसके ऊपर आदर करने वाला, आशीष उंडेलने वाला, उसको अंगीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला हमारा प्रभु आज आपके साथ है करके बोलकर मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, आपका विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ. इस में वचन का पृष्ठभूमि हम जानते हैं कि एक स्त्री के बारे में, और 12 साल से बिचारी बीमार से पीड़ित थी और बहुत कुछ सहन किया करके हम उसका 2500 वचन में से और 2600 वचन में से देखते हैं. एक स्त्री थी और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी. अब यहाँ पर देखते समय मलयालम में पड़ेगा तो सब सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, सब बहुत वाद्यों से बड़ा दुख उठाया और सब बेच डाला, हालेलुया, फिर भी कोई छुटकारा नहीं मिला है. इतना कष्ट सहन करते हुए जीवन बहुत दुख में, संकट में हालेलुया बिताने वाली इस प्यारी बहन, हालेलुया, एक बार यीशु की चर्चा सुना, हालेलुया, और उसने सुनने के बाद, जैसे हमें रोमी 10:17 में लिखा है, हालेलुया, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से है, हालेलुया. इसलिए अभी प्रार्थना ऑनलाइन प्रार्थना है तो भी हम वचन के लिए एक समय इसलिए निकालता कि वचन सुनने वाले प्यारों को विश्वास में और बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, मिल जाता है, और उस कारण से प्रभु से और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है. अभी यहाँ पर ये जो स्त्री है उसने यीशु प्रभु के बारे में सुना. सुनने के बाद कई लोग अपना स्थान पर ही बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचता है, हालेलुया, मैं आज यीशु के पास जाऊंगा. आप में से किसी ने आज ऐसा सोचकर आया है, आपका समस्या को लेकर प्रार्थना में यीशु के पास मैं जाऊंगी करके सोचकर आया है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपका विश्वास के ऊपर, आपका कर्तव्य के ऊपर, आपका प्रयत्न के ऊपर, समर्पण के ऊपर मेरा प्रभु अपना मोहर लगाने वाला है, लगा लिया करके मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया. ओ समदला रिखदर अधिकाल शरादला, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि और इस प्रकार उसने अपना स्थान छोड़कर जहां पर यीशु प्रभु था वहां पर, हालेलुया, उसने वहां के लिए निकल पड़ी. उसके पास शायद ताकत नहीं होगा चलने के लिए, उसने धीमे धीमे चल के ही होगा, कष्ट उठाकर भी होगा, लेकिन लेटने से बैठने से कितना अच्छी बात है, भले थोड़ा बहुत दर्द के साथ हो, दुख के साथ हो, हालेलुया, पेन के साथ हो, आप अभी संगति में आकर बैठा है तो याद रखना प्रभु के पास आप बैठी है या बैठा है, हाल प्रभु के साथ बैठा है. और जैसे ये बहन, हालेलुया, सोचा मन में, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. देखिए अपना अपना विश्वास के ऊपर काम होता है, हालेलुया, और आपका विश्वास किस प्रकार है उस हिसाब से प्रभु काम करने वाले. ये बहन जी, हालेलुया, उसने इतना ही सोचा, मैं यीशु के पास जाने लायक नहीं हूँ, उसके आगे जाके पूछने लायक, बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन पीछे से उनका जो कपड़ा का धागा को, कपड़ा को छू लूंगी ताकि मुझे शक्ति मिलेगी, चंगाई मिलेगी करके, हालेलुया. इतना में हम आगे देखेगा तो, हालेलुया, एक प्रभु का दास याईर करके आराधनालय के सरदार ने यीशु प्रभु के पास आकर, हालेलुया, और यीशु के सामने दंडवत कर
हालेलुया इस प्रकार कहा कि प्रभु जी मेरी बेटी मरने पर है, आप आके उसको चंगा करना, हालेलुया उस पर हाथ रख के वह चंगी होकर जीवित रहे। हाल मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हालेलुया पांचवा अध्याय का 23 वचन में कि हालेलुया आप आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। देखिए उनका विश्वास इस प्रकार था कि मैं यीशु प्रभु मेरे घर पे आके हालेलुया मेरा बेटी के ऊपर हाथ रखने से वो चंगी हो जाएगी, उनका विश्वास ऐसा था। हालेलुया वहां पर भी यीशु प्रभु ने हालेलुया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया हालेलुया बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमेन। इतना बड़ा भीड़ होने के बावजूद भी मेरा यीशु प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए अपना समय को निकालने को तैयार है। देखिए कभी 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 आप सोचेंगे मैं तो अकेला हूँ इसलिए क्या होने वाला है, वो अकेला है तो भी मेरा प्रभु आपको फूलने वाला नहीं, उल्टा आपका समस्या को समझकर सहायता पहुंचाने वाला करने वाला परमेश्वर है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें ये सरदार जो है जाहिर करके आराधना लेके सरदार है, उनका विश्वास और उनका इच्छा अलग थी और इस बहन जी का इच्छा अलग थी। हालेलुया उनका सोच अलग थी और दोनों में मेरा प्रभु काम करता है करके हम देखते हैं। और मत्ती 8 में हम एक दूसरा एक सरदार को देखते हैं, वो हालेलुया हमें पलटन का या सेना का सरदार था। उन्होंने कुछ और यीशु के पास आकर कहा, देखिए हालेलुया मेरा दास हालेलुया बीमारी से मरने के हालत में है, लेकिन आप एक शब्द बोलने से मेरा दास चंगा हो जाएगा, हालेलुया। और उसने यीशु ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और उसको चंगा करूंगा। और इतना में उन्होंने बोला नहीं नहीं आप मेरे घर पे आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, आप यहाँ पर एक शब्द बोलने से मेरा दास चंगा हो जाएगा करके उसने यीशु प्रभु का सामर्थ्य को और गहराई में कबूल किया और कहा नहीं नहीं मैं तो इतना एक साधारण व्यक्ति हूँ, भले सरदार है मिलिट्री का एक कैप्टन है हालेलुया फिर भी आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करके समझकर उन्होंने अपना जीवन को नम्र बनाकर यीशु प्रभु पर विश्वास रखकर जब प्रार्थना किया अपेक्षा किया यीशु ने बोला नहीं नहीं मैं आऊंगा। हर बातों में अलग अलग प्रकार का हालेलुया वो शब्द को सुनकर हमें कार्य करने वाला मेरा यीशु प्रभु आज हमारे साथ है। मेरे प्यारो आप जहां पर बैठा है बैठी है वहां पर आपका हमें दिल की विश्वास कैसे हो, आपका बोली कैसी हो, उस हिसाब से आपके पास आकर कार्य करने वाला मेरा प्रभु जिंदा है करके हम सब जानने वाली बात है, लेकिन मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ हालेलुया याद दिलाना चाहता हूँ। अभी एक दो शब्द पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, ये बहन जो है उसके अंदर यीशु के बारे में सुनने के बाद जैसे विश्वास पैदा हो गई विश्वास बढ़ गई वो हाल उसको आगे कदम बढ़ाने के लिए सहायता किया। इतना में पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया फेथ पुट हालेलुया हर इन मोशन, हमारा विश्वास हमको आगे आगे बढ़ाते हैं। यदि विश्वास हमारे पास नहीं है तो एनर्जी कम हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। विश्वास का उल्टा शब्द है अविश्वास। अविश्वास आया तो हम बैठा रहेगा, आज प्रार्थना क्यों करना है, स्तुति क्यों करना है, हालेलुया संगति में क्यों जाना है, प्रेयर लाइन में क्यों जोड़ना है, ऐसा अविश्वास के बच्चे से हम बैठ सकती है सकता है रह सकता है। लेकिन जिसके दिल के अंदर विश्वास पैदा होता है होती है वो जरूर सोचेंगे नहीं मुझे थोड़ा तकलीफ है तो भी मैं आज इस संगति में जोड़ूंगा प्रेयर लाइन में जोड़ूंगा प्रार्थना करूंगा करूंगी हालेलुया। ऐसा विश्वास हमको हमेशा
दिशा में ले चलता है। हालेलुया, दिशा के ओर बढ़ाते हैं। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ हालत में है, प्रार्थना करने के लिए मौका मिला तो भी हालेलुया कुछ उदासी के कारण प्रार्थना नहीं किया, तो आज आपका विश्वास बढ़ने के कारण आप तो मोशन में आ जाए, मुंह में आ जाए, आगे बढ़े कि हालेलुया आपका जरूरतों को लेकर प्रार्थना में बैठने से, प्रार्थना करने से, औरों के लिए प्रार्थना करने से, मेरा प्रभु आपका प्रार्थना के ऊपर, विश्वास के ऊपर, हालेलुया कदम के ऊपर मोहर लगाकर आदर करने वाला है। हालेलुया ओ रिबा बाबाला शमदला रिखाला बारा हालेलुया हालेलुया। ये बहन ने हमें जैसे चाही वैसे उसने हमें जाकर वो सारे हमें हाल वादा को हमें पार कर कर हालेलुया वादाओं को पार कर कर यीशु प्रभु का कपड़ा को छू लिया और तुरंत यीशु मसीह से शक्ति सामर्थ्य बहने लगी और निकली। हालेलुया मेरे प्यारो, हमें हमारे प्रभु कितना अच्छा है, भला है, सामर्थी है कि हालेलुया हमारे व्यक्तिगत जीवन का विश्वास को समझकर हालेलुया हमारे लिए कार्य करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। और देखिए प्रभु जी, प्रभु ये इतना हजारों लोगों के बीच में हमें इस स्त्री के बारे में भी जानता था। हालेलुया वो कैसे जानता है, बस एक ही कारण है, हमें एक ही बात है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया वो परमेश्वर हमारा दिल की इच्छा भी जानता है, जरूरत भी जानता है, विश्वास भी जानता है और हमें आगे हालेलुया बढ़ाते हैं। इसी प्रकार का विश्वास के कारण ये बहन जी के अंदर कॉन्फिडेंस आ गई, मैं जाऊंगा और मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी। और इतना में यीशु ने उसको उसका जो कॉन्फिडेंस को विश्वास को अंगीकार कर समझ कर हजारों लोगों के बीच में उसके जीवन में कार्य किया है। और यीशु मसीह ने हल मुड़ कर फीड़ों में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि फीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर फीड उसको थक्काबाजी करता है तो सही है, लेकिन वो बात नहीं है। वो तो लोग जो परिस्थिति के ऊपर वचन से वो थक्काबाजी में उनके शरीर में स्पर्श किया जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें जान पूछ कर विश्वास के साथ जो हमें कदम बढ़ाकर हाथ बढ़ाकर उनको छूना एक अलग अनुभव है, एक अलग कार्य है। वो जानने वाला मेरा प्रभु आज जिंदा है मेरा और आपका जीवन में। कई बार हालेलुया हमने होते हुए हालेलुया वो चिल्लाते हुए प्रभु के चरणों पर आया, हमारा प्रार्थना को प्रभु ने सुना, उत्तर दिया, लेकिन कई बार कुछ बातों को प्रभु ने और बाकी रखा है करके भी हमको मालूम है। कई बार प्रभु कुछ बातों में छुपे रहते होंगे, फिर भी हम निराश नहीं होना, दुखित नहीं होना, उल्टा हमारा हर जीवन में, हर कदम में, हर दिन में हम प्रार्थना में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि प्रार्थना करने वाले को जानने वाला, विश्वास के साथ उनके चरणों पर आने वाले प्यारों को जानने वाला प्यारा प्रभु जी जिंदा है करके मैं मेरे यीशु के बारे में वो हालेलुया आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी मुड़ कर देखते समय कितने सारे बातों को प्रभु ने उत्तर दिया, प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन अभी भी बाकी है, मुझे भी पता है। हालेलुया। और कुछ बातों के लिए प्रभु बोलेंगे, जैसे प्रेरित पौलुस को बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो कहेंगे वो वचन के अनुसार, शब्द के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये विचारी अपना धन को पूरा बेच डाला, अपना हाल वैद्यों की वजह से बहुत कुछ सहन किया, वो भी एक सच्चाई है आज के जमाने में, वो भी एक सच्चाई है। हमें डॉक्टर्स के वजह से भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है क्योंकि आज सब बिजनेस हो गया है, लेकिन हमारे यीशु प्रभु ही केवल हमारा असली अवस्था को जानकर समझकर हमें मदद करने वाला है। इसलिए हालेलुया हमें हमें रोने वालों को, हमें टूटा हुआ दिल को याद कर सहायता करने वाला यीशु प्रभु के पास आज हम प्रार्थना के समय पर आया है। इसलिए हालेलुया विश्वास के साथ बैठिए। आमेन। मेरा यीशु मसीह हालेलुया ओ रिबा बाबा शमदल आपको हाल अपने शक्ति भेज कर चंगा करने वाला है।
हमें, और जो इसी अध्याय में वो याईर सरदार ने कहा, आप आके छू कर चंगा कर, लेकिन यहाँ पर खुद आकर छू कर चंगाई पाया है। इस प्रकार आपका विश्वास कैसे भी हो उसके ऊपर मेरा प्रभु हमें सहायता करने वाला, आशीष दिलाने वाला है मेरे प्यारो। हालेलुया। जैसे हमारा दिल की इच्छा, दिल के विश्वास, वैसे हमको सहायता करने वाला प्रभु है करके मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। आमेन। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि हम जैसे कहेंगे वैसे मानने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में कई बार बोला, एक बार मेरा वाइफ तो बहुत बीमार हो गई, हम दवा नहीं लेते थे और इसलिए वो सेमी कोमा में आ गई थी फरीदाबाद में, और इतना में भी हमने हॉस्पिटल में लेके नहीं गया, लेकिन हमारे विश्वासी लोग आके जबरदस्ती लेके गया। हालेलुया। हम और मैं तो उसको आईसीयू में एडमिट किया, मैं तो बाहर बैठा हूँ, दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी अभी इतना काफी है, इससे ज्यादा सहन करने के लिए अभी समय अवसर नहीं है, ताकत नहीं है। तो मेरा प्रभु ने इतना सीरियस व्यक्ति को 3 दिन के अंदर चंगा किया और वापस आया, आज भी जिंदा है, सारे काम करती है और सेवा में मदद करते है। और इतना एक छोटा सा शब्द बोला, प्रभु जी अभी इतना मुझे काफी है, इससे ज्यादा सहन करने के लिए ताकत नहीं। इतना ऐसे सेवकाई के क्षेत्र में इससे इस प्रकार कितने सारे बातों को हालेलुया हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। वो बोलेगा तो फिर भाषण देना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हमारी जो आंसू को हमारे शब्द को देखने वाला प्रभु है। मेरी इच्छा थी, मैं आपको बोला पता नहीं, मेरा मम्मी मरते समय मुझे वो देखना है, क्योंकि मेरा पिताजी जब मरा मुझे याद नहीं था, एक मेरा परमेश्वर ने मुझे उसके लिए सहायता किया। हालेलुया। मुझे ओमान में जाना था, लेकिन वो 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरे मम्मी, मेरे बहन जी भी उधर थी, और मैं जब उनके उसके साथ बैठा था तब मेरे मम्मी चली गई, फिर मैं उनका हम सब मिलकर उनका दफन विधि करके 2 दिन के बाद मैंने ओमान में चल जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया सेवकाई के लिए। हालेलुया। इस प्रकार हमारे प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला प्रभु जिंदा है, वो आपको भी जरूर सहायता करेगा। मेरे शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।